कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव की। कुंडली के लग्न भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति का नेचर कैसा होता है, ऐसे लोग काम के प्रति कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, लग्न में अगर मंगल हो तो व्यक्ति का नेचर कैसा होता है? कहते हैं कि लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न में बारहवें भाव में चौथे सातवें आठवें भाव में अगर मंगल हो तो ये पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए हानिकारक होता है, यही मांगलिक दोष है। एक श्लोक से मांगलिक दोष स्पष्ट हो जाता है, वो श्लोक ये है, लग्ने व्ययच पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजो भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। इसके अलावा कोई दूसरा श्लोक नहीं बना है इसके लिए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल में द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में उसे मांगलिक नहीं माना जाता है, इसलिए उत्तर भारत के ज्योतिषी इस विषय पर विचार नहीं करते हैं। जैसे दक्षिण भारत में अष्टोत्तरी दशा चलती है 108 वर्षों की, और भारत के उत्तरी भाग में विंशोत्तरी दशा चलती है 120 वर्षों की, उसी तरह से वहाँ द्वितीय भाव में मंगल को मांगलिक दोष में गिना जाता है, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। जिन लोगों के प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में मंगल होता है, ऐसे लोगों के चेहरे पर लालिमा होती है, आत्मविश्वास दमकता है। मंगल की दशा आने पर ऐसे लोग, ऐसे मांगलिक लोग साहसी और पराक्रमी हो जाते हैं। ऐसे लोग किसी के भी दबाव में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग मुश्किल परिस्थिति पर भी आसानी से नियंत्रण पा लेते हैं। ऐसे लोग कठिन कार्य को भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। खेल, सेना, सेवा के क्षेत्र में इन मांगलिक लोगों का काफ़ी नाम होता है। खास करके मंगल अगर मकर राशि का, मेष राशि का या वृश्चिक राशि का मंगल लग्न में हो तो ऐसा मंगल व्यक्ति को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा देता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज, हर काम को स्फूर्ति से करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग जो भी टारगेट लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस तक पहुंचते जरूर हैं। तो कहने का मतलब ये है, जिन लोगों के लग्न में मंगल है अगर वो पापग्रहों से दृष्ट नहीं है या पापग्रहों से भिड़ा हुआ नहीं है या पापग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो ऐसा मंगल निःसंदेह आदमी को निडर, साहसी, हिम्मती, एम्बिशन वाला, महत्वाकांक्षा वाला बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि मंगल की सातवें भाव पर भी दृष्टि होगी, आठवें भाव पर भी दृष्टि होगी, तो ऐसे लोगों की पत्नियां भी तेज तर्रार, सुंदर और आत्मविश्वासी होती हैं। मांगलिक दोष का बहुत प्रकार से परिहार होता है। यदि कुंडली में परिहार हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर परिहार नहीं हो रहा है तो मांगलिक लड़की से विवाह करने के बाद सुखमय जीवन भी व्यतीत होता है। जय माँ विंध्यवासिनी।